Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. We are doing chapter number 10, Animals and Their Young Ones. Match the animals with their young ones. Cat, kitten, dog, pup, cow, calf, goat, kid, horse, foal, hen, chick. All living animals have a definite lifespan. They reproduce their own kind to save their species on the earth. कि जो animals होते हैं उनका एक अपना जीवन चक्र होता है और वे अपनी प्रजाति को बचाने के लिए अपने तरीके की दूसरी प्रजातियों को पैदा करते हैं. The process by which animal produce their own kind is called reproduction. कि जो ये प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया है जिसके अंदर एनिमल अपने जैसे ही दूसरे जाति को पैदा करते हैं, वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है. रिप्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. और रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, इससे हमारा पता लगता है कि हमारी जो लाइफ है वो एग्जिट करती है कहाँ पे? इस अर्थ पे. द यंग वंस रिप्लेस द ओल्ड एंड डाइंग अडल्ट. छोटे बच्चे बड़े होते हैं और फिर वो बूढ़े होकर मर जाते हैं. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज. जानवर अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स अपने बच्चे पैदा करते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. कुछ जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वाइल अदर ले एग्स. जबकि कुछ जानवर क्या करते हैं? अंडे देते हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस एंड प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देम. कुछ जानवर अपने बच्चों को पैदा करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं. सच एनिमल आर कॉल्ड मैमल्स. ऐसे जानवरों को स्तनधारी बोला जाता है. द यंग वंस ऑफ अ मैमल ग्रो इनसाइड देयर मदर्स वोम अंटिल दे आर बोर्न. यंग वंस जो मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो बच्चे अपनी माँ के गर्भ के अंदर ही पलते हैं जब तक वो पैदा नहीं होते. आफ्टर गिविंग बर्थ, जन्म देने के बाद, द मदर फीड्स हर बेबी विद हर ओन मिल्क अंटिल द चाइल्ड ग्रोज बिग इनफ टू ईट अदर फूड. और वो जानवर अपने बच्चे को तब तक दूध पिलाता है जब तक कि वो बच्चा बड़ा होकर कुछ दूसरा खाना खाने नहीं लग जाता. ह्यूमन बींग्स काउ डॉग वेल एंड बैट्स आर मैमल. कि मनुष्य, गाय, कुत्ते, वेल मछली और बैट चमगादड़, ये सारे क्या है? स्तनधारी हैं. एनिमल्स लाइक बर्ड, एनिमल दैट ले एग्स, एनिमल जो अंडे देते हैं. एनिमल्स लाइक बर्ड, फिश, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट ले एग्स. जानवर जैसे पक्षी, मछली, मेंढक और इंसेक्ट, ये सभी क्या देते हैं? अंडे देते हैं. द यंग वंस कम आउट ऑफ द एग्स. और उनके बच्चे कहाँ से निकलते हैं? अंडों से निकलते हैं. बर्ड्स, फीमेल बर्ड ले एग इन देयर नेस्ट. जो फीमेल बर्ड होती है वो अंडे कहाँ देती है? अपने घोंसले में देती है. ईच एग हैज अ हार्ड सेल. हर एक अंडे की जो बाहर की सेल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है. इनसाइड द सेल, उस सेल के अंदर, देयर इज अ क्लियर स्टिकी लिक्विड कॉल्ड एग एल्बुमिन एंड एग वाइट. कि उस अंडे के अंदर एक बहुत चिपचिपा लिक्विड होता है जिसको एग वाइट बोला जाता है. इन द सेंटर ऑफ एग एल्बुमिन अ येलो लिक्विड कॉल्ड योक इज प्रेजेंट. और उस अंडे के अंदर एक व्हाइट के साथ अंदर की तरफ एक येलो कलर का लिक्विड होता है जिसको योक बोला जाता है. देयर इज अ बेबी बर्ड कॉल्ड एम्ब्रोय इनसाइड द एग. और उस अंडे के उस येलो भाग के अंदर क्या होता है? बेबी होता है जिसको एम्ब्रो बोला जाता है. एम्ब्रो गेट्स इट फूड फ्रॉम द योक. और जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर एम्ब्रो जो होता है वो अपना खाना कहाँ से लेता है? जो येलो कलर का योक होता है उससे वो अपना खाना लेता है. द मदर सीट्स ऑन द एग टू वॉर्म इट. जो माता होती है वो अंडे के ऊपर बैठती है और इसे गर्म करती है. सो दैट द एम्ब्रो कैन ग्रो एंड डेवलप. ताकि जो उस योक के अंदर एम्ब्रो होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो बढ़ सके और डेवलप हो सके, विकसित हो सके वो. व्हेन द एम्ब्रो इनसाइड द एग डेवलप्स इनटू अ चिक. जब वो छोटा सा बच्चा चिक बन जाता है, द सेल ऑफ द एग ब्रेक एंड द चिक कम आउट.
और जो अंडा होता है वो फूट जाता है, उसकी सेल फूट जाती है और उसके अंदर से चिक जो चूजा होता है वो बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड हैचिंग, और इसको क्या बोला जाता है? हैचिंग बोला जाता है। वेन द बेबी बर्ड हैचिज आउट ऑफ द एग, जब छोटा पक्षी अंडे से बाहर निकल जाता है, इट इज वेरी स्मॉल एंड डज नॉट हैव फीदर्स, कि ना तो इस ये बहुत छोटा होता है और इसके कोई भी फेदर्स मीन्स पंख नहीं होते हैं। द पेरेंट्स बर्ड फीड एंड लुक आफ्टर इट, माता पिता क्या करते हैं? उसको खाना खिलाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। वेन द बेबी बर्ड ग्रो एंड बिकम स्ट्रोंगर टू लुक आफ्टर इट सेल्फ, जब बेबी बर्ड बड़ा हो जाता है और अपनी देखभाल खुद करने लायक हो जाता है, द पेरेंट्स बर्ड हैव लीव द बेबी बर्ड, तो माता पिता क्या करते हैं? अपने बेबी बर्ड को छोड़ देते हैं। आफ्टर दिस आती है फिश। फिश ले थाउजेंड ऑफ एग कॉल्ड रॉ, मछली बहुत सारे अंडे देती है जिसको रो बोला जाता है। द रो हैच इन द वॉटर, और रो कहाँ पर हैच होते हैं, कहाँ पर फूटते हैं? पानी के अंदर। द बेबी फिश आर कॉल्ड फ्राई, और जो छोटी छोटी मछलियाँ निकलती हैं उनको फ्राई बोला जाता है। अ फिश डज नॉट नीड टू लुक आफ्टर इट एग एंड फ्राई, अब मछली को अपने अंडे देने के बाद ना तो अंडों की देखभाल करनी पड़ती है और ना ही फ्राइज की। द फ्राई ग्रोज इनडिपेंडेंटली एंड बिकम एन अडल्ट फिश, जो फ्राइज होते हैं वो अपने आप से स्वतंत्र तरीके से बढ़ते हैं और अपने आप से ही बड़ी मछली में कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़ी मछली बन जाते हैं। फ्रॉग्स, फीमेल फ्रॉग्स ले अ क्लस्टर ऑफ एग्स इन वाटर, फीमेल फ्रॉग क्या होती है? एक बहुत सारा झुंड पानी के अंदर अपने अंडों का देती है। दीज एग्स आर कॉल्ड स्पा, आफ्टर 3 to 25 days बेबी फ्रॉग कम आउट ऑफ द एग्स, इनके जो अंडे होते हैं उनको स्पा बोला जाता है और ये 3 से 25 दिन के अंदर अपने आप से बेबी फ्रॉग इन अंडों से निकल जाते हैं। दे आर कॉल्ड टेडपोल्स, उनको क्या बोला जाता है? टेडपोल बोला जाता है। दे लुक आफ्टर फ्रॉम फ्रॉग्स, वे क्या करते हैं? मेंढक की देखभाल करते हैं। दे लुक लाइक स्मॉल फिश, और वो किसके जैसे दिखाई देते हैं? छोटी मछली जैसे दिखाई देते हैं। दे लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स, वो पानी के अंदर रहते हैं और अपने गिल्स से सांस लेते हैं। ग्रेजुअली टेडपोल लूज देयर टेल एंड ग्रो इंटू अडल्ट फ्रॉग, और धीरे धीरे क्या होते हैं, सामान्य तौर पे टेडपोल अपनी पूंछ को खो देते हैं और वो अडल्ट मेंढक में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स सच एज स्नेक्स टर्टल एंड क्रोकोडाइल ले देयर एग ऑन द ग्राउंड, अब जो रेप्टाइल होते हैं रेंगने वाले होते हैं जैसे सांप है, टर्टल, कछुआ है, क्रोकोडाइल है, ये अपने कहाँ दे अंडे कहाँ देते हैं? ग्राउंड पे, जमीन पे देते हैं। टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स ले एग नियर द रिवर बैंक, मेंढक सॉरी टर्टल, कछुए और क्रोकोडाइल अपने अंडे कहाँ देते हैं? नदी के किनारे देते हैं। दे हाइड देयर एग विद सैंड, वे अपने अंडों को मिट्टी से ढक देते हैं, मीन्स उसके अंदर वो छिपा देते हैं। द एग्स गेट वार्म बाय द हीट ऑफ द सन, और यहाँ पे अंडों को गर्मी किससे मिलती है? जब सूरज की किरणें मिट्टी के ऊपर गिरती हैं उससे गर्मी मिलती है, उनको हीट मिलती है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद द बेबीज हैच आउट ऑफ द एग, अंडों को फोड़कर बच्चे बाहर आ जाते हैं। द मदर लुक आफ्टर द बेबीज टिल दे ग्रो एंड डेवलप इंटू अडल्ट, और माता क्या करती है? उनकी तब तक देखभाल करती है जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते और विकसित होकर अडल्ट नहीं बन जाती। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स आर टाइनी एनिमल्स, इंसेक्ट्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे जानवर होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, वे कैसे पैदा करते हैं अपने बच्चों को? अंडे से। सम इंसेक्ट लाइक ग्रास होपर एंड कॉकरोच हैव 3 stages इन देयर लाइफ साइकिल, ग्रास होपर और कॉकरोच की 3 stage होती हैं लाइफ, जैसे कि उन्होंने अंडा दिया उसके बाद नाइफ्स बनते हैं और उसके बाद कॉकरोच बनता है, तो इनकी लाइफ की 3 stage होती हैं। इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाइज एंड बटरफ्लाई हैव 4 stage इन देयर लाइफ साइकिल, और जो हमारी घर की मक्खियाँ होती हैं और बटरफ्लाईज होती हैं उनके लाइफ चक्कर की कितनी स्टेज होती हैं? 4। अ फीमेल कॉकरोच ले एग, फीमेल कॉकरोच क्या करती हैं? अंडे देती हैं। द बेबी कॉकरोच दैट कम आउट ऑफ द एग्स आर कॉल्ड नाइम्स, जब उन अंडों से छोटे छोटे कॉकरोच बाहर निकलते हैं उनको नाइम्स बोला जाता है। द नाइम्स सेट्स इट्स स्किन सेवरल टाइम एंड ग्रो इंटू एन अडल्ट कॉकरोच, नाइम्स क्या करते हैं? अपनी स्किन को बहुत बार गिराते हैं और उसके बाद वो अडल्ट कॉकरोच बन जाते हैं। शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग,
और जो ये स्किन छोड़ते हैं, पुरानी स्किन को छोड़ते हैं, उसको मोल्टिंग बोला जाता है। अ फीमेल बटरफ्लाई लेज मैनी एग ऑन देयर ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स। बटरफ्लाई क्या करती है, पौधे की जो पत्तियां होती है उसके नीचे की तरफ अपने अंडों को देती है। द एग हैचिज एंड लार्वा कम आउट। जब ये अंडे फूट जाते हैं तो इनके अंदर से लार्वा निकलता है। द लार्वा इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर। और जब ये लार्वा निकलता है तो इसको कैटरपिलर बोला जाता है। इट लुक्स लाइक अ वॉर्म। ये एक वॉर्म की तरह होता है। इट ईट्स लीव्स एंड ग्रो क्विकली। ये पत्तियों को खाता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। आफ्टर सम टाइम इट फॉर्म अ कवरिंग अराउंड इट बॉडी कॉल्ड कोकून। और धीरे धीरे क्या होता है, इसकी बॉडी के बाहर से कोकून्स बनने शुरू हो जाते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। और इसको प्यूपा बोला जाता है। इनसाइड द प्यूपा कैटरपिलर ग्रोज एंड बिकम एन अडल्ट। प्यूपा के अंदर क्या होता है, कैटरपिलर बढ़ता है और वो बड़ा बनता है। देन प्यूपा ब्रश्ड एंड अडल्ट बटरफ्लाई अमर्ज आउट। तब प्यूपा फूट जाता है और उसके अंदर से जो अडल्ट बटरफ्लाई होती है वो निकलती है। आपको यहाँ पे एक लाइफ सर्कल दिया गया है, ये है आपका। यहाँ पे बटरफ्लाई ने एग दिए, इससे लार्वा निकला, लार्वा से प्यूपा बना और प्यूपा से अडल्ट अमर्ज हो जाती हैं। मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। ऑल यंग बेबीज नीड लव एंड केयर। जितने भी बच्चे होते हैं उनकी प्यार की और देखभाल की जरूरत होती है। दे नीड टू बी नर्चर्ड। इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर टू टेक केयर ऑफ हर यंग वन। ये हर एक माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करे। मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। स्तनधारी जीव अपने बच्चों की बहुत लंबे समय तक देखभाल करते हैं। अ मदर फीड्स हर चाइल्ड, टीचिज हिम हाउ टू स्टैंड, वॉक, ईट एसेट्रा। मदर क्या करती है, अपने बच्चे को खाना खिलाना सिखाती है, उसको खड़ा होना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना सिखाती है और सब चीज़ें वो अपने बच्चों को सिखाती हैं। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड एंड स्टे क्लोज टू देम टिल दे आर हैच्ड। क्रोकोडाइल और एलिगेटर क्या करते हैं, अपने बच्चों को ग्राउंड पे जन्म देते हैं और वो तब तक वहीं पे बैठे रहते हैं जब तक कि अंडों से जो हैच हो के उनके बच्चे बाहर नहीं आ जाते। देन द मदर पिक्स अप द बेबीज इन हर माउथ एंड कैरीज देम टू द वॉटर। उसके बाद क्रोकोडाइल और एलिगेटर क्या करते हैं, जब उनके बच्चे अंडों से फूट जाते तो अपने बच्चों को मुंह में उठाकर पानी के अंदर लेके जाती हैं। सी गार्ड देम फॉर सेवरल डेज। वो कई दिनों तक उनकी देखभाल करती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द बर्ड बिल्ड नेस्ट फॉर लेइंग देयर एग्स। लगभग सभी पक्षी अपने अंडे देने के लिए क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं। द मदर प्रोवाइड्स वार्म्थ एंड फूड टू द बेबी बर्ड एंड टीचेस देम हाउ टू फ्लाई। जो मदर बर्ड होती है वो बच्चों को गर्मी देती है, उनको खाना खिलाती है, इवन वो अपने बच्चों को उड़ना भी सिखाती है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। टेक द करेक्ट आंसर। द बेबी फिश दैट कम आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड फ्राई। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। दिस इज नॉट अ मैमल, टर्टल। द लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रास होपर हैज थ्री स्टेजेस। अ नाइन्थ इज द यंग वन ऑफ अ कॉकरोच। सेकेंड वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। वेल्स आर मैमल्स। यंग वन ऑफ अ फ्रॉग ब्रीथ थ्रू गिल्स। हाउस फ्लाइज हैव फोर स्टेजेस। द एग ऑफ रेप्टाइल्स। द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई इज लार्वा। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम विद देयर मिल्क। कि जो जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैमल। यंग वंस ऑफ द फ्रॉग, टैडपोल। यंग वंस ऑफ कॉकरोच, नाइम्स। अ क्लस्टर ऑफ एग लेड बाय अ फ्रॉग, स्पा। द यंग येलो पार्ट ऑफ इनसाइड द बर्ड्स एग इज कॉल्ड यॉक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर मैमल्स, गिव टू एग्जांपल। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड प्रोड्यूस मिल्क टू फीड
देम आर कॉल्ड मैमल्स। आपको दो एग्जाम्पल देते हैं, ह्यूमन बींग्स एंड काउस। सेकेंड वन, डिफाइन रिप्रोडक्शंस द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग लेज एग इन द वॉटर। आफ्टर 3 to 25 डेज बेबी फ्रॉग कम आउट ऑफ द एग्स। बेबी फ्रॉग लुक लाइक स्मॉल फिश। बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड टेडपोल्स। ग्रेजुअली टेडपोल्स लूज देयर टेल एंड ग्रो इन टू अडल्ट फ्रॉग। नेक्स्ट वन, मैच द कॉलम। व्हेल मैमल, कॉकरोच मोल्टिंग, टर्टल रेप्टाइल, बटरफ्लाई कैटरपिलर, फ्रॉग टेडपोल। ये है आपका बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। नाउ एक्टिविटी फॉर यू, प्रिपेयर अ चार्ट ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। यहाँ पे आपको जैसा सर्कल दिया गया है, आप ऐसा सेम सर्कल एक चार्ट पे बनाएंगे और आप अपनी क्लास में लगाएंगे। सेकेंड वन इज कलेक्ट द पिक्चर ऑफ द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल। अलग अलग एनिमल्स के जितने भी बेबीज होते हैं उनकी आपको पिक्चर कलेक्ट करनी है। पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। और आपको इसे कहाँ चिपकाना है, अपनी स्क्रैप बुक में। ऑल्सो राइट देयर नेम्स बिलो ईच पिक्चर। और आप जितनी भी पिक्चर्स चिपकाएंगे आप उनके नीचे क्या लिखेंगे, उनका नेम लिखेंगे। ये था आपका लेसन। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।